आंध्र प्रदेश में हुई है दो ट्रेन की टक्कर, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 54 लोग अभी तक घायल है। बट ये नंबर अभी बढ़ भी सकता है, कंफर्म नहीं है। दो ट्रेन एक ही लाइन पर चल रही थी, विशाखापट्टनम पलासा लाइन पर खड़ी थी और पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन विशाखापट्टनम रायगढ़ उसे तेज टक्कर मारती है। सबसे बड़ी बात की एक पटरी में दो ट्रेन कैसे आई ये किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ जानकार के मुताबिक उनका कहना है कि ये एक्सीडेंट सिग्नल ओवरशूट की वजह से हुआ है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर 100% यकीन नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, रेस्क्यू टीम सभी लोगों को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही है। सभी रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं और जल्द से जल्द सभी पैसेंजरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टक्कर होने की वजह से ट्रेन डीरेल हो गई है और कितने उसके जो कोच है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी गए हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ऐसे ट्रेन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नुकसान ज्यादा हो सकता है। हमारी जो रेड वाली ट्रेन है LHB ट्रेन, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है, उसके बहुत कम चांस होते हैं। मौके पे सभी पुलिस, RPF, रेस्क्यू टीम और बड़े अधिकारी स्पॉट पे मौजूद है और सभी पैसेंजर को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट से रिलेटेड ले चुके हैं। जिस तरह हमारे इंडियन रेलवे में बार बार ट्रेन की एक्सीडेंट हो रही है जिससे आम आदमी बहुत ज्यादा डर गए हैं, उन्हें ट्रेन में भाई चढ़ने से भी डर लग रहा है।